नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो सेल्स टीवी। वर्ष 2016 की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2016 कैसा रहने वाला है। इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा धनु राशि के लिए इस वर्ष के प्रमुख ग्रह गोचरों की। इस साल शनि आपके द्वादश भाव में है। यदि राहु की बात की जाए तो वो आपके भाग्य भाव में रहेगा, जबकि केतु आपके तीसरे भाव में रहने वाला है। वहीं बृहस्पति साल के पहले भाग में आपके भाग्य स्थान में रहेगा, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके कर्म स्थान पर रहेगा। इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक मामलों में यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। द्वितीय शनि द्वादश भाव में होकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है तथा बातचीत की शैली कुछ ऐसी रह सकती है जिससे कि कुछ परिजन रुष्ट हो सकते हैं। हालांकि सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। साल के पहले भाग में किसी मांगलिक आयोजन के कारण एकता बनी रहेगी, जबकि साल के दूसरे भाग में आपसी गलतफहमियां दूर होने के कारण सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब चर्चा कर ली जाए धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की। साल 2016 में आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। कुछ आंख या मुख संबंधी रोग परेशानी दे सकते हैं, कभी कभी अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। यदि उम्र अधिक है तो शरीर कमजोर हो सकता है, या शरीर कमजोर है तो और भी कमजोर हो सकता है, इसलिए ज्यादा वजनदार चीजें आपको नहीं उठानी है, जिससे कमर की तकलीफ से आप बच पाएंगे। हालांकि साल का पहला भाग बेहतर है, इस समय परेशानियों के रहने की उम्मीद कम है, लेकिन साल के दूसरे भाग में आपको संयमित रहना होगा, साथ ही स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा। और अब बात धनु राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की। प्रेम प्रसंगों के लिए साल का जो पहला भाग है वो काफी अनुकूल नजर आ रहा है। इस समय आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। यदि विवाह की उम्र हो चली है तो सगाई या विवाह होने के योग मजबूत हो रहे हैं। और यदि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम पात्र के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, कहीं दूर जाने घूमने की योजना भी बन सकती है। विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। साल के दूसरे भाग में काम की व्यस्तता के चलते आप अपने संबंधों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, कोशिश करें इन सबको मैनेज करने की। और बात धनु राशि वालों के कार्य क्षेत्र की। साल के पहले भाग में काम धंधे को लेकर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस वर्ष अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, व्यापार के विस्तार की भी संभावना है। यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो इस काम में सफलता मिलेगी। साल के दूसरे भाग में भी आप पूरे मन से काम में लगे रहेंगे, और जब मन से काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नौकरी पेशा है तो आपकी पदोन्नति भी संभावित है। नौकरी के हालातों में सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात कर ली जाए धनु राशि वालों के आर्थिक मामलों की। धन के लिहाज से यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस वर्ष कुछ अनावश्यक खर्चे बने रहेंगे, यही कारण है कि आप बचत करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। हालांकि साल के पहले भाग में आप कुछ ऐसी यात्राएं कर सकते हैं जिनसे आपको आर्थिक लाभ हो। साल के दूसरे भाग में यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो थोड़े से प्रयास से वो आपको मिल जाएंगे। साल के दूसरे भाग में आर्थिक स्थिति के बेहतर होने के योग हैं, अलबत्त कुछ पैसे दवाओं पर खर्चे हो सकते हैं। यानी अगर आप अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करते हैं तो आपके पैसे बचे रहेंगे। घर परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रखने के लिए कुछ प्रयास करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और अब चर्चा आपकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूलता लिए हुए हैं। यदि आप शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो इस काम में साल के पहले भाग में आपको सफलता मिल सकती है, आपकी कोशिश कामयाब हो सकती है। यदि आप दर्शन व साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। साल के दूसरे भाग में घर परिवार के लोग शिक्षा के मामले में यथाशक्ति आपका सहयोग करेंगे। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो वहां से भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चर्चा उपायों की, यानी कि धनु राशि वाले जो लोग हैं उनको बेहतर परिणाम पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय ये है कि काले कपड़े में 12 बादाम रखकर उसे किसी लोहे के बर्तन में रखकर किसी अंधेरे कमरे में रखें और केसर का तिलक निरंतर लगाते रहें, तो ऐसा इस राशि फल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने जीवन को बेहतरी दे सकेंगे। और वर्ष 2016 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों के रंग घोले, ऐसी हमारी शुभकामना है, ऐसी हमारी कामना है, मंगल कामना है।
और इसी बात के साथ मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन हमारे वीडियोस को निरंतर देखते रहने के लिए एस्ट्रोफेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।